दवाई जहां है ठीक उसके बगल में ये साइपरमेथ्रिन है। अगर ये एक बूंद भी दवाई में मिल जाए, जैसे ये आप ओपन खोले हुए हैं कहीं, तो जानवर मरेंगे कि नहीं मरेंगे, जवाब दीजिए। एक पैक पैक में रहता है ना, नहीं तो ये जहर यहाँ रखने का चीज है, आप बताइए। लूज नहीं है ये जहर, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे गिर जाएगा, इसमें से थोड़ा सा भी ड्रॉप निकल जाएगा तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा? वो इंजेक्शन से निकालते हैं इसको, इससे नहीं निकालते। अरे ऐसे करके हम निकाल रहे हैं, देखिए निकल गया, उससे निकालिएगा तो निकलेगा। वही बोल रहे हैं ना कि गिर जाएगा अगर, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है सर? ये डॉक्टर साहब दवाई ववाई देते हैं, हम सब तो परिचारी हैं, साफ सुथरा करते हैं। साफ सुथरा करते हैं, परिचारी का काम है। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा दिखाइए उधर, यह हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय है, इसका नाम है प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय रौतारा कटिहार, जो कोढ़ा प्रखंड में अवस्थित है। हम इधर से जा रहे थे, अचानक से इस हॉस्पिटल पर नज़र पड़ा और हमने जो भी चीज़ अंदर देखा वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए और ज़रा समझिए कि क्या हॉस्पिटल सिर्फ सरकार खोल देती है उसके बाद इसका देख रेख नहीं करना है। हम आपको यही चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए ना, डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर यहाँ इंचार्ज में है, चार्ज में है, जो भी पे बैठते हैं वो डॉक्टर फिलहाल अभी छुट्टी पर हैं, और यह हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति नहीं है सिवाय एक लड़का का जो यहाँ सफाई वगैरह भी करते हैं। इनका कहना है कि हमको कुछ नॉलेज नहीं है, हम सिर्फ सफाई करते हैं। फिलहाल ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि इतना बड़ा भव्य बिल्डिंग, ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द कितने बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इस बिल्डिंग्स में कोई है नहीं सिवाय सिर्फ दिखाने के। हम सरकार को कहना चाहेंगे कि अगर आपने बिल्डिंग बनाया तो इसका यूज भी होना चाहिए, इसमें डॉक्टर भी होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो दवाइयाँ मिली वो खुले मिले, दवाइयों के बगल में जहर का बोतल है। अच्छा, अगर खुदा ना खासे ये जहर के बोतल में थोड़ा सा भी जहर अगर उन दवाइयों में मिल जाए तो क्या हो सकता है, भली भांति समझते हैं। क्या हाल चाल है सर? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? क्या है आप इस हॉस्पिटल में? कर्मचारी हैं। क्या है, खुला हुआ है दवाई? ये खत्म वाला है सर। नहीं, क्या है ये बताइए तो, है क्या ये? डिसेंट्री के लिए ऐसे दवाई रखा जाता है? ये तो खराब है। एक मिनट रुकिए, आप छूछा नहीं कीजिएगा। कौन सा हॉस्पिटल है? इधर देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। कौन से हॉस्पिटल में कार्यरत हैं आप? रौतारा। रोहतारा कौन सा है? प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय रोहतारा। प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय रोहतारा। आप लोग जो ये दवाई रखे हैं, ये क्या तरीका है? आप क्या पद पे हैं यहाँ? हम तो वर्कर हैं। AI वर्कर हैं। प्राइवेट हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बैठे हुए। अच्छा, आप बैठे हुए हैं, आप छूट मत कीजिएगा। आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। क्या है आप यहाँ? परिचारी है। परिचारी। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये दवाई खराब हो गया था इसलिए। नहीं तो ऐसे रखा जाता है क्या दवाई? नहीं, खराब हो गया है दवाई, प्लास्टिक में रहता है। तो ये रखने का चीज है? नहीं, रखने का चीज नहीं। तो क्या है ये, आप लोग क्या बना के रखे हैं? हैं, बताइए। बेकार रह गया था इसलिए पेपर में इसको फिर कर दिया निकाल। कि पशुओं का दवाई जहां है ठीक उसके बगल में ये साइपरमेथ्रिन है। अगर ये एक बूंद भी दवाई में मिल जाए, जैसे ये आप ओपन खोले हुए हैं कहीं, तो जानवर मरेंगे कि नहीं मरेंगे, जवाब दीजिए। एक पैक पैक में रहता है ना? नहीं तो ये जहर यहाँ रखने का चीज है, आप बताइए। लूज नहीं है ये जहर, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे गिर जाएगा, इसमें से थोड़ा सा भी ड्रॉप निकल जाएगा तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा? वो इंजेक्शन से निकालते हैं इसको, इससे नहीं निकालते। अरे ऐसे करके हम निकाल रहे हैं, देखिए निकल गया, उससे निकालिएगा तो निकलेगा। वही बोल रहे हैं ना कि गिर जाएगा अगर, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है सर? ये डॉक्टर साहब दवाई ववाई देते हैं, हम सब तो परिचारी हैं, साफ सुथरा करते हैं। साफ सुथरा करते हैं, परिचारी का काम है। तो साफ सुथरा करने वाले गंदगी, तो आप साफ सुथरा कहाँ किए हैं सर? ये देखिए आपके जस्ट बगल में ये देखिए कचरा पड़ा हुआ, बताइए। आप देख सकते हैं
किस प्रकार से हॉस्पिटल को रखा गया है। आप देखिए, न कोई डॉक्टर न कुछ कुछ भी नहीं है। वैक्सीन है इसमें?